आज मॉरिशस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेगा। नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस की संसद को संबोधित करेंगे। वो वहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले सेशल्स से सीधे मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई पहुंचे मोदी ने मॉरिशस के साथ 5 समझौते किए। सशेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे तो पोर्ट लुई के राम गुलाम एयरपोर्ट पर कुछ इसी तरह पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से मोदी जब बाहर निकले तो बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उनकी एक झलक पाने को मौजूद थे। मोदी ने भी उनके लिए दिल खोल दिया। एयरपोर्ट से वो सीधे होटल पहुंचे जहां स्वागत के लिए बच्चे मौजूद थे। बच्चों से बड़े लाड से मिले प्रधानमंत्री। स्वागत और मेल मुलाकात का दौर खत्म हुआ तो दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत, जिससे निकल कर आए 5 अहम करार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ मोदी ने जिन अहम करारों पर हस्ताक्षर किए उनमें शामिल हैं, दोनों देशों के बीच समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग का समझौता हुआ है। इससे समुद्री संसाधन, मछली पालन, ग्रीन टूरिज्म, समुद्री तकनीक में शोध और विकास में दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देशों के बीच 2015 से 2018 के लिए 3 साल का सांस्कृतिक करार भी हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के सांस्कृतिक दल एक दूसरे के यहाँ जाकर संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देश परस्पर सहयोग पर सहमत हुए हैं। इसके तहत भारत से आमों का निर्यात किया जाएगा ताकि मॉरिशस के लोग भारतीय आमों के विविध प्रकारों का स्वाद ले सकें। दोनों देशों के बीच इलाज और दवाओं के पारंपरिक तरीकों में सहयोग पर भी समझौता हुआ है। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप के लिए सामुद्रिक और विमान परिवहन सेवा तैयार करने का भी अहम करार हुआ है। Our agreement today on the development of Agalega Island is a major stride in our cooperation in infrastructure sector. इसके अलावा भारत ने मॉरिशस को 50 करोड़ डॉलर का रियायती ऋण देने की भी पेशकश की है। मोदी ने कहा है कि भारत की मंशा मॉरिशस में जल्द से जल्द पेट्रोलियम भंडारण के लिए गोदाम बनाने की है। यही नहीं, मोदी ने मॉरिशस में दूसरा साइबर शहर स्थापित करने की भी पेशकश की है। दशकों पहले भारत की मदद से ही यहां पहले साइबर शहर की स्थापना की गई थी। आज तक ब्यूरो।